रमा एकाची, जिसे रंभा एकाची भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रमा अथवा रंभा एकाची को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण एकाची माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रमा एकाची कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के दौरान 11वें दिन मनाई जाती है। यह कार्तिक कृष्ण एकाची या रंभा एकाची जैसे अन्य नामों के साथ भी लोकप्रिय है और दीपावली के त्योहार से 4 दिन पहले आती है। रमा एकाची व्रत को सबसे महत्वपूर्ण एकाची उत्सवों में से एक माना जाता है, जो हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं, क्योंकि भक्त धार्मिक रूप से इसे सुरक्षित मानकर अपने सभी पापों से वंचित हो सकते हैं। आइए अब सुनते हैं रमा एकाची की व्रत कथा। मुचुकुंडा नाम का एक राजा था, जिसकी चंद्रभागा नाम की एक बेटी थी। उसकी शादी राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुई थी। राजा मुचुकुंडा भगवान विष्णु के भक्त थे और उन्होंने अपने राज्य के सभी व्यक्तियों को रमा एकाची के उपवास का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया था। चंद्रभागा अपने बचपन से रमा एकाची का व्रत रखती थी। एक बार जब उसके पति राजकुमार शोभन कृष्ण पक्ष के समय राजा मुचुकुंडा के राज्य में उपस्थित थे और यह रमा एकाची उपवास का दिन था, अतः उसे भी उस दिन उपवास का पालन करना जरूरी था। शोभन अपने बीमार और कमजोर स्वास्थ्य के कारण उपवास नहीं कर पाए। चंद्रभागा ने अपने पति से किसी अन्य जगह पर जाने के लिए कहा, क्योंकि अगर वे वहां रहेंगे तो उन्हें वह अनुष्ठान करना होगा। लेकिन शोभन ने कहा कि वह तो वहां ही रहेगा और रमा एकाची का उपवास भी रखेगा। देखते हैं क्या होता है। चूंकि शोभन कमजोर था, अति प्यास और भूख के कारण आधी रात को उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन रमा एकाची उपवास को करने से प्राप्त गुणों के कारण राजकुमार को स्वर्ग में जगह मिली और एक अद्वितीय और महान साम्राज्य प्राप्त किया। लेकिन इस कारणवश कि उससे जबरदस्ती उपवास करवाया जा रहा था, राजे अदृश्य था। एक बार मुचुकुंडा साम्राज्य से एक ब्राह्मण बाहर निकला और उसने शोभन और उसके राज्य को देखा। राजकुमार ने सभी घटनाओं को ब्राह्मण को बताया और अपनी पत्नी चंद्रभागा को सब कुछ बताने के लिए कहा। ब्राह्मण वापस लौटे और राजकुमार की पत्नी को सब कुछ बताया। कई रमा एकाची व्रतों का पालन करने के कारण चंद्रभागा द्वारा प्राप्त लाभ और योग्यता के कारण चंद्रभागा ने अपने दिव्य आशीर्वादों के साथ साम्राज्य को वास्तविकता में बदल दिया। वो जो अदृश्य हो गया था वो सामने आ गया और दोनों ने हमेशा के लिए राज्य बनाया और एक दिव्य और आनंदमय जीवन जीना शुरू कर दिया। आइए अब सुनते हैं रमा एकाची के अनुष्ठान क्या हैं। उपवास अनुष्ठान एकाची से 1 दिन पहले शुरू होता है, यानी यह दशमी से शुरू होता है। इस विशेष दिन प्रवेशकों के द्वारा, यानी जिन्होंने भी इस व्रत को रखा है, उनके द्वारा अनाज या चावल का उपभोग नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें केवल सात्विक भोजन ग्रहण करने की अनुमति होती है। प्रवेशकों को सूर्योदय के बाद कुछ भी खाने की अनुमति नहीं होती है। एकाची की पूर्व संध्या पर जिन्होंने व्रत रखा होता है, उन्हें पूरे दिन खाने और पीने से दूर रहना होता है।
उपवास अगले दिन यानी चंद्र महीने के 12वें दिन द्वादशी पर पारण के समय संपूर्ण होता है। रमा एकादशी की विशेष पूर्व संध्या पर प्रेवेशक जल्दी उठते हैं, पवित्र स्नान करते हैं और फिर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान देवताओं को फूल, फल, विशेष भोग और अन्य आवश्यक चीजें पेश की जाती हैं। एक बार आरती पूरी होने के बाद प्रसाद यानी पवित्र भोजन, जिसे प्रसाद को पवित्र भोजन का रूप दिया जाता है, सभी भक्तों के बीच में वितरित किया जाता है। इस दिन भक्त रात भर जागरण करते हैं और भगवान विष्णु की महिमा सुनकर, भजन गाकर और कीर्तन करके पूरी रात बिताते हैं। जैसे कि यह शब्द देवी लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए भक्त भी इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। भक्त मध्य रात्रि जागरण के दौरान भगवत गीता भी पढ़ते हैं। आइए अब सुनते हैं रमा एकादशी व्रत का महत्व और इसके लाभ क्या क्या हैं। ब्रह्मा वेवराता पुराण जैसे हिंदू मान्यताओं और ग्रंथों के अनुसार रमा एकादशी व्रत का पालन करके प्रवेश को अपने पिछले पापों से मुक्ति पा सकते हैं। भक्त जो इस दिन भगवान विष्णु की महिमा सुनते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से प्राप्त गुण कई अश्वमेघ यज्ञों और राजसुआ यज्ञों द्वारा किए गए गुणों से कहीं अधिक है। भक्त जो इस उपवास का पालन समर्पण और श्रद्धा से करते हैं, वे अपने जीवन में भारी सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। आपका व्रत सफल हो और भगवान आपकी मनोकामना पूरी अवश्य करें।